हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन व्लॉगर सोनाक्षी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने आपके साथ पिछले व्लॉग में शेयर किया था अपना फाल्गुन महोत्सव का जितनी भी स्टॉल्स लगी थी वो सब। तो इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फूड एंड फन जोन, जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज मैं आपके साथ वही सब शेयर करने वाली हूँ कि इस फाल्गुन महोत्सव में कौन कौन से फूड स्टॉल्स लगी हैं और कौन कौन से जो है राइड्स लगे हुए हैं। बच्चों के लिए तो आप देख ही सकते हो बहुत सारे राइड्स हैं, जो कि बच्चे काफ़ी सारे बच्चे जो है एंजॉय भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे झूले हैं जो खाली भी पड़े हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताऊंगी आपको कि बहुत ही औसम जो कलेक्शन है राइड्स की, वो बहुत ही अच्छी हैं। अगर आप घर पर बोर हो रहे हो तो अभी आप आ सकते हो। और अभी जो कोरोना है उस पर भी थोड़ा सा, मतलब आगरा में एक भी केस नहीं है, तो अगर आप अपनी सेफ्टी के साथ, सेफ्टी तो देखो आपको लेनी ही पड़ेगी अपनी, तो सेफ्टी के साथ आप आ सकते हो। यहाँ पर सब लोगों ने जो है मास्क यूज़ किए हुए हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी किए हैं, जो मतलब हो सकता है वैक्सीनेटेड हों, लेकिन फिर भी मास्क तो उन्हें यूज़ करना ही चाहिए था। और यहाँ पर देखिए बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर आप मेरी को देख सकते हो कितनी ही, मतलब कितनी खुश है, वो देख सकते हो आप। तो यहाँ पर जो है औसम कलेक्शंस थी राइड्स की, और मुझे बहुत मज़ा आया, जबकि मैंने कोई भी राइड नहीं लिया, क्योंकि मुझे राइड लेने से बहुत डर लगता है। मुझे बचपन से ही डर लगता है, मुझे झूलों से पता नहीं, झूले पे चढ़ते ही मुझे बैठते ही ऐसे मतलब इस तरीके से चक्कर आने लगते हैं और डर लगने लगता है। और यहाँ पर देखो तंदूरी चाय बन रही थी, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी ना, इतनी अच्छी आ रही थी, मतलब बिना पिए ही ऐसा लग रहा था जैसे कि हमने सच में ये चाय पी ली हो। और देखो बहुत ही बड़ा वाला जो झूला आप पीछे देख रहे हो ना, वो मेरा फेवरेट है, लेकिन झूलने में नहीं, सिर्फ देखने में। और यहाँ पर एक स्टेज भी लगी हुई थी जहाँ पर डांसेस हो रहे थे बहुत सारे अलग अलग गानों पर, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई, मतलब ओरिजिनल वॉइस नहीं लगा पाई, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, और कॉपीराइट क्लेम ना आए इसलिए मैंने सारा का सारा जो वॉइस है उसको बंद कर दिया था, क्योंकि पूरे उसमें गानों की आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर देखो स्टॉल्स लगी हुई हैं स्पेशल तंदूरी चाय की, मशहूर लस्सी की लगी हुई है आगरा के, और आगरा के पापड़ भंडार लगा हुआ है, और इससे आगे लगा हुआ है गुज्जू ऑफ आगरा जहाँ गुजियाँ बन रही थी, और साईं बाबा सुपर सॉफ्टी है, बरूले हैं अलीगढ़ के मशहूर, और उसके बाद में चाउमीन की स्टॉल लगी हुई है, और उसके बाद में हिमाचल का कुछ लगा हुआ था, और उसके बाद में जो रोस्टर किचन है राजस्थानी थाली लगी हुई थी जहाँ पर टेस्टी टेस्टी दाल बाटी और चूरमा मिल रहा था। यहाँ पर देखो बड़ा वाला झूला, बस उसके चलने का वेट कर रही हूँ ताकि मैं एक छोटी सी क्लिप बना पाऊँ। तो अभी जब ये झूला चलने लगेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर देखो ये वाली, मतलब छोटे छोटे बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं ना, और उनको मतलब इसी चीज़ों के लिए, उनको शॉपिंग वॉपिंग से कुछ नहीं रहता है, बस राइड्स मिल जाए। और हम लोगों को लग रहा था कि कब यहाँ से निकलें और बाहर शॉपिंग करें। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी कलेक्शन है, आप लोग आइएगा अगर आगरा से हैं, और डेफ़िनेटली आप इंजॉय करेंगे। और ये यहाँ का एंट्री गेट है फूड कोर्ट और फन जोन का, तो आप लोग इंजॉय कीजिए, और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, मतलब इस वीडियो की एंडिंग में। और देखो ये झूला चल गया, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा।
उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का देखो ऑसम कलेक्शन था, ये मैं आपके साथ ज़रूरी से ज़रूरी शेयर करना चाहती थी। और यहाँ से मैंने मिट्टी की बोतल ली है जो कि बहुत ही अच्छी है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।